हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिसेस खान व्लॉग्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े की रेसिपी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रेसिपी। हमें कढ़ी बनाने के लिए ज़ीरा, मेथी दाना और लाल मिर्च चाहिए। ज़ीरा 1 टीस्पून, मेथी दाना 10 से 15 और 3 रेड रेड चिली, 1 टेबलस्पून अदरक, 1 टेबलस्पून लहसुन, 3 से 4 हरी मिर्च, 200 ग्राम दही, 4 टेबलस्पून बेसन, 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक। अब हमें एक बड़ा बर्तन लेना है और विस्कर लेना है। अब ये सारा सामान हमें कढ़ी के लिए लेना है। अब हमें एक पैन लेना है, उसमें उसे मीडियम फ्लेम पे हीट करना है और उसमें ऑयल ऐड करना है। अब उसमें ज़ीरा, मेथी दाना, सूखी लाल मिर्च ऐड करनी है। उसे लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। अब उसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च डालनी है। उसे भी लो फ्लेम पर लगातार चलाते रहना है। बड़ा बर्तन लेकर उसमें दही, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, नमक और बेसन ऐड करना है। फिर उसमें विस्कर या चम्मच से चलाते रहना है जब तक उसमें लम्स ख़त्म ना हो जाए। मैंने कढ़ी बनाने के लिए टोटल पानी 1.5 लीटर लिया है। 1 लीटर पानी अब यूज़ करा है, 1/2 लीटर पानी बाद में यूज़ करा है। अब जिस पैन में हमने तड़का तैयार करा है उसी पैन पर हम एक छन्ना रखकर उस कढ़ी का जो हमने सॉस बनाई है उसे ड्रेन कर देंगे और उसे अच्छे से छान लेंगे ताकि उसमें जो भी हो हम उसे अलग से निकाल लें। अब हम गैस को जब तक हाई फ्लेम पर रखेंगे जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता। मैंने 1/2 लीटर पानी अब ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से चला के अब इसे हाई फ्लेम पर रख देंगे। अब इसमें उबाल आ गया है। अब हम गैस फ्लेम को हल्का कर देंगे। अब हम पकौड़ों की प्रिपरेशन करते हैं। पकौड़ों के लिए चाहिए हमें 1 बड़ा आलू, 1 बड़ी प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून हरी मिर्च और मसालों में हमें चाहिए 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1/2 ग्लास ऑफ वाटर। अब आप इस सब सामान को लेकर आलू, प्याज, हरी मिर्च इस सबको एक बॉल में ऐड करें। उसमें ऐड करने के बाद उसमें सारे मसाले डाल दें। मसाले डालने के बाद आप उसमें धनिया ऐड करें। धनिया ऐड करने के बाद आप उसमें बेसन ऐड करें। बेसन ऐड करने के बाद आप ऊपर से पानी डालें। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली पानी डालें, आप ज़्यादा पानी ना डालें। और आप कढ़ी की सॉस के साथ ही ये बना कर रखें क्योंकि ज़्यादा देर रखने से ये सॉफ़्ट हो जाती हैं, पकौड़ियाँ सॉफ्ट बनती हैं। अच्छे से मिक्स करें। अब आप इसे अच्छे से मिक्स करें और अगर आपको इसमें बेसन कम लगे तो और ऐड कर लें। मुझे इसमें एक टेबल स्पून बेसन कम लगा तो मैंने अब ऐड कर दिया है। अब ये 2-3 घंटे बाद कुछ ऐसा दिखेगा।
अब हमारी कढ़ी को पकते पकते 3 घंटे हो गए, अब वो काफ़ी थिक हो गई है। हमें कढ़ी को ज़्यादा थिक नहीं रख, क्योंकि अगर हम उसे ज़्यादा थिक रखेंगे तो पकौड़ियाँ सॉफ्ट नहीं बन पाएंगी। अब हमें एक पैन को हीट करना है, उसमें हमें पकौड़ी का बैटर डालना है जो हमने तैयार करा है। पहले हमें हाई फ्लेम रखनी है, फिर हमें मीडियम फ्लेम पे उन्हें करना है। मीडियम फ्लेम पे उन्हें 5 to 7 मिनट्स तक पकाना है, उन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक, और उन्हें पलटते रहना है। जब वो तैयार हो जाए उन्हें कढ़ी के अंदर डाल दें आप। कढ़ी के अंदर डालने के बाद उसे अच्छे से चला दें। अब एक पैन को लेना है, उसमें ऑयल डालना है, अब और उसमें प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, हींग, ये सब हमने कढ़ी का तड़का तैयार करा है। सबसे पहले हम इसमें हींग डाल देंगे 1 टीस्पून। हींग डालने के बाद अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च डालने के बाद अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी देर रुककर लहसुन ऐड करेंगे। अब इसे लाइट ब्राउन होने तक अच्छे से तैयार कर लेंगे। हमें इसे ज्यादा ढक नहीं रख करना है। अब हमारा तड़का ब्राउन होने लगा है, हम इसको जल्दी से उठाएंगे और अपनी कढ़ी के अंदर डाल देंगे। अब कढ़ी के ऊपर हम ऊपर से हरा धनिया ऐड कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा, और कोई मिस्टेक हुई हो तो कमेंट में प्लीज़ बताइएगा।